हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रेडीमेड के होलसेल मार्केट, जो कि रेडीमेड जो जींस टी शर्ट वगैरह होते हैं, चाहे वो बड़े लोगों के लिए हो या छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के लिए हो, उसका होलसेल मार्केट मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जो कि काठमांडू के महाबौद्ध के एरिया साइड में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको आना कहाँ पे है, इस चीज़ के डायरेक्शन वगैरह मैं देता चलूँ। तो सबसे पहले आपको, यदि आप लोकल गाड़ी वगैरह से आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा ग्राउंड देखने को मिलेगा, टूडी खेल के ठीक अपोजिट साइड में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे NAC का बिल्डिंग है, जो कि नेपाल एयरलाइन कॉरपोरेशन का बिल्डिंग कहा जाता है। उस बिल्डिंग के पास आपको रुकना है, उतरना है गाड़ी से। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं या आपने किसी निजी गाड़ी से आ रहे हैं, तो आप चाहें तो आप मार्केट के अंदर भी दो पहिए गाड़ी को लेकर जा सकते हैं, यानी कि बाइक स्कूटर आपके पास है तो आप अंदर तक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको एक न्यू रोड का गेट देखने को मिलता है। ये सड़क का नाम ही है न्यू रोड। तो यहाँ पे एक एंट्री गेट देखने को मिल रहा है, तो हमें रोड को क्रॉस करके उस पार जाना है। तो दोस्तों, ये रहा न्यू रोड का मेन रोड, और इस मेन रोड के सहारे भी चाहें तो हम आगे से टर्न वगैरह लेकर के जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट का जो रास्ता है वो मैं दिखा दूँ। हालांकि एग्जिट हम लोग उधर से ही होंगे। तो जैसे ही आप न्यू रोड गेट के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो ये एक मंदिर टाइप का दिखेगा। यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, और राइट टर्न जैसे ही लेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है कि दुकान वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सुबह का थोड़ा सा समय है, लगभग 10 से 11 बजे का समय है, तो मार्केट में थोड़ा सा लोगों का चहल पहल बहुत ही कम है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, 11, 12, 1, 2 बजेंगे, तो लोगों का भीड़ इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी है एक कि ये जो अभी सीज़न है ना, ये भी ऑफ सीज़न कहलाता है, यानी कि जो दिसंबर का जो लास्ट समय है, उस समय को मतलब ऑफ सीज़न बोलते हैं। तो ये ऑफ सीज़न का थोड़ा सा नज़ारा है, जिस तरह से मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है इसके वजह से। तो अभी हम आपको सीधा महाबौद्ध की तरफ लेकर के चलेंगे, और ये जितनी दुकानें आप लोग देख रहे हैं, ये सभी दुकानें जो ऐसी कि होलसेल में डील करते हैं, चाहे वो जूता चप्पल हो, छोटे बच्चे के लिए हो, बचिया के लिए हो, बड़े लोगों के लिए हो, चप्पल हो या जूता हो, ये सभी आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हालांकि सुबह का समय है, तो कुछ इस प्रकार का पार्सल वगैरह देख रहे हैं, जो कि ठेला गाड़ी पे या लोग खुद कुली के तरह, मतलब कुली को यहाँ पे भड़िया बोला जाता है, तो भड़िया लोग जो है से कि बोरा का बोरा जो पार्सल आया हुआ है, जो कि बाहर से पार्टी लोग मंगवाते हैं, विदेशों से जो सामान वगैरह जो इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्टर लोग, वो सभी के यहाँ जो है से कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर आया होगा न्यू रोड के आसपास में। और वहाँ से आगे जाने का जो रास्ता है तो थोड़ा सा मतलब पतला है, तो उसके वजह से जो है ऐसी कि छोटी गाड़ियाँ या भड़िया के सहारे लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में A to Z मोबाइल का जितने भी पार्ट्स है, एसेसरीज है, वो सारे आइटम आपको यहीं पे मिल जाएंगे। चाहे आप, यदि आपका मोबाइल वगैरह बिगड़ गया है, आप एक कस्टमर होने के नाते इस वाले बिल्डिंग में जाएंगे, तो आपका मोबाइल भी रिपेयरिंग कर दिया जाएगा। तो मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर के एसेसरीज का भी, अगर आप एक ही जगह पे चाहते हैं सारा आइटम हमारा कवर हो जाए, तो इस वाले बिल्डिंग में आप अवश्य विजिट कीजिएगा। तो अभी ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये वाली गली जो है से कि आगे चल के महाबौद्ध को जाती है, तो इस एरिया को भी स्पेशली महाबौद्ध ही कहा जाता है। तो महाबौद्ध के आसपास का जो मार्केट है, उस मार्केट को एक्सप्लोर हम कर रहे हैं। और यदि अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और अच्छे अच्छे नए नए जगहों का वीडियो वगैरह लेकर के आने में। तो अभी ये इस मार्केट में आपको बच्चे का जो जितना भी रेडीमेड आइटम होता है, जैसे कि जींस पैंट हो गए, टी शर्ट वगैरह हो गए, बैग हो गए, स्कूल का बैग हो, या आप ऐसे नॉर्मली लगेज वगैरह कैरी करने के लिए अगर बैग वगैरह लेना चाहते हैं, तो इस वाले मार्केट में आपको बैग भी अवेलेबल हो जाते हैं। और साथ साथ अगर आप नया दुकान कर रहे हैं, तो नए दुकान में आपको हैंगर वगैरह, डमी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस जगह पे हैंगर डमी भी ले सकते हैं। चाहे तो आप अपने एक दो पीस डमी वगैरह जो क्या होता है, ये रिटेल में भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इंद्र चौक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसके क्रम में आपको ये जितनी सारी दुकानें मिल रहे हैं अगल बगल में,
चाहे तो आप बैग वगैरह देख रहे हैं, और साथ में यहाँ पे एक और मतलब दुकान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रन करता है, ये हो गया बेल्ट पर्स वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे आइटम, तो उसके जो है से कि यहाँ पे एक होलसेलर है, इनका सेलिंग काफ़ी अच्छा है। मैं कई बार इनको देखता हूँ तो इनका सेल काफ़ी अच्छा रहता है। हो सकता है आप इस आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं जिसमें बैग पर्स और जितने भी आइटम होते हैं बेल्ट वगैरह, तो स्पेशली आप एक बार इनको टच कर सकते हैं। इनका जैसे कि रेट हालांकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन जेन्युइन रेट हो सकता है तभी इसके दुकान पे, इनके दुकान पे तभी भीड़ बनी रहती है। तो अभी ये मार्केट जो है से कि जैसे ही हम इंद्र चौक की ओर बढ़ते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको रेडीमेड का आइटम जो है से कि वो आप लोगों को कवर करवा दूँ। तो यहाँ पे लेडीज़ में भी जैकेट वगैरह जो होते हैं और उन्हीं के टॉप्स वगैरह होते हैं और लेंगीज हो गए, पजामा टाइप के, और जितने मतलब रेडीमेड आइटम अगर आपको लेना हो तो इस वाले जगह पे भाई बेझिझक आँख बंद करके आप लोग आइए और रेडीमेड आइटम आपको ए टू जेड मिल जाएगा। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो है से कि उनके जैकेट वगैरह, अभी जैकेट का जो है से कि ठंडी का सीज़न है तो इसके लिए जैकेट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप जो है से कि सीज़न थोड़ा सा गर्मी का आ जाएगा तो यहाँ पे दौरा सुरवाल वगैरह जो होते बच्चे के भात खुआई बोलते हैं, जो है से कि नुआरन के समय में जो रेडीमेड का कपड़ा वगैरह बच्चों को पहनाया जाता है उस वाले आइटम को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे के लिए जो है कि नेपाली पोशाक जो दौरा सुरवाल बोलते हैं, वो दौरा सुरवाल भी आप लोगों को यहीं पे मिलेंगे। तो स्पेशली इस जगह को वटू टोल बोलते हैं, वटू टोल, तो वटू टोल में आपको चाहे तो आप मोजा वगैरह भी अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एक बार टच करिए, किसी अच्छे होलसेलर को आप कांटेक्ट में लीजिए ताकि आप अपने दुकान पे बैठे बैठे ही चाहे तो आपको माल आसानी से आपके दुकान तक ट्रांसपोर्ट कुरियर के जरिए पहुँचा दिया जाए। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा सा मार्केट जो है ये बरो के लिए जाना जाता है, बरो का जो जितना भी आइटम है वो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, जींस पैंट हो, टी शर्ट हो, शर्ट हो, और जींस में भी आपको मतलब कॉटन का पैंट वगैरह भी लेना हो तो उस वाले मार्केट में आप लोग एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे वैरायटी रेडीमेड के आइटम का जो है से कि वो कवर हो जाता है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताते चलूँ, अगर रिटेल में आप लेना चाहते हैं एक या दो पीस तो भाई बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपको रिटेल में एक दो पीस वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। अगर जींस लेते हैं तो उसका जो है कि साइज़ जितना भी आता है 28, 30, 32, 34, 36 जो भी साइज आते हैं वो आपको एक बंडल कम से कम लेना पड़ेगा तभी वो आपको दे पाएंगे, वरना आप एक या दो पीस अपने पसंद के साइज़ जो है कि लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा भाई, वहाँ पे जाना आपके लिए बेकार है। तो आप एक पीस के लिए प्लीज़ मत जाइएगा, यदि आपको क्वांटिटी में डील करना हो तभी वहाँ पे जाइए। हालांकि वो जितनी सारी जो दुकानें थी वो आपको मतलब छोटी छोटी नज़र आ रही थी, लेकिन वो केवल उन लोगों के एक ऑफिस के ऑफिस टाइप का जो है कि वो बना कर रखते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर है वो यहाँ पर आकर हमसे मिले, हमसे टच हो जाए। और उसके अलावा उनका स्टोर इतना बड़ा बड़ा स्टोर रहता है कि अगर वो अकेले चाहे तो कम से कम आपको मतलब 15 से 20 दुकानें तो अब वो अपने खुद के मर्जी खुद के दम पे कर सकता है, इतना सारा उनके पास जो है कि माल स्टॉक में रहता है। तो बस यही मार्केट का जानकारी था, होप कि आप लोगों को ये मार्केट अच्छा लगा होगा। तो अभी हम थोड़ा सा मेरा जो है कि शॉपिंग करना था तो थोड़ा सा शॉपिंग करके अब हम जा रहे हैं अपने दुकान की तरफ। तो दुकान की तरफ जाते वक्त यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है कि मतलब हम जितना जल्दी सोच रहे थे कि जितना जल्दी मेरा थोड़ा सा जो शॉपिंग है वो हो जाए और मैं अपने दुकान की तरफ निकल जाऊँ, तो भाई साहब यहाँ पे तो जाम इतना है कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा। तकरीबन आधे घंटे जो है कि जाम में पड़ने के बाद में फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि सहूलियत मिला है, ट्रैफिक वगैरह आ करके फटाफट जो है से क्लियर कर रहे हैं रोड को। पार्किंग की समस्या यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही रहता है, ये सभी जो पार्किंग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जितनी भी बाइक है ये सभी चार्जेबल मतलब चार्ज देने के बाद में ये, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जितनी सारी बाइकें देख रहे हैं ये सभी बाइकें जो है से कि पे करके तब जाकर के पार्किंग हुआ है, ये निःशुल्क पार्किंग नहीं है, ये सशुल्क पार्किंग है। यहाँ पे पार्किंग करने के लिए पैसा देना पड़ता है और पैसा जो है से घंटे के हिसाब से होता है, 30 रुपये 40 रुपये पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पर पार्किंग का जो है से शुल्क लिया जाता है।
और कई मतलब ऐसा होता है कि पैसा देने के बाद में भी पार्किंग का जगह नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे ही कोई बाइक या स्कूटी अगर बाहर निकालता है तो वहाँ पे आपका नंबर लगा दिया जाएगा और अपना बाइक पर मतलब पैसा दे करके भी आपको लाइन लगना पड़ेगा, यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है भाई। तो बस अब हम मार्केट के लगभग लगभग बाहर आ चुके हैं, अब मेन रोड की तरफ चल रहे हैं। तो मेन रोड के कॉर्नर पर आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि ये नेपाल का जो है से कि काफ़ी जाना माना मार्केट है, विशाल बाज़ार। तो ये विशाल बाज़ार का मेन जो है कि गेट यहाँ पे है और इस गेट के सहारे अंदर जा करके आप मतलब रिटेल शॉपिंग काफ़ी बड़े लेवल पे, जो सोना चांदी अगर ख़रीदना हो या कपड़े लत्ता जो भी हो, मोबाइल एसेसरीज पार्ट्स वगैरह, ये सारे आइटम जो है से कि आप रिटेल तौर पे इस मार्केट में विशाल बाज़ार में आप खरीद सकते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेन रोड में, और मेन रोड की एक खासियत मैं बताऊं कि आपको गैजेट वगैरह अगर लेना हो तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है, आप मेन रोड में ही अपना गैजेट वगैरह चाहे नया खरीदना हो या रिपेयरिंग करवाना हो वो आप इजीली करवा सकते हैं। गैजेट में जैसे कि कैमरा वगैरह हो गए, DSLR कैमरा, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन हो गए, लैपटॉप हो गए, और जितने मतलब जैसे कि रिंग लाइट वगैरह जो होते हैं या शूटिंग का जितना भी सर सामान होता है, ये सभी आइटम जो जैसे कि आपको मेन रोड में ही मिल जाएंगे, आपको अंदर ढूंढने की इनकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात आपको और बताते चलूँ कि जो होलसेल मार्केट में जब भी आप आते हैं तो आप एक ही जगह पे आप अपना सामान नहीं खरीदिए, दो चार जगहों पे उस सामान का रेट जो है वो ट्राई कीजिए, जेन्युइन रेट लगता है तभी जा करके आप आगे हाथ बढ़ाइए, आगे आप खरीद कीजिए, वरना एक दो जगह में ही अगर आप जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाए, मेरी मानना ये है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हो रेट से तब तक आप ख़रीदारी किया ही मत करो, क्योंकि जब तक आपको रेट अच्छा नहीं लगेगा तो आगे ले जा करके बेचने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो रेट जो है कि दो चार जगह जानिए, समझिए, परखिए, उसके बाद ही आप आगे हाथ बढ़ाइए ख़रीदारी करने के लिए। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखूँगा, होप कि आज का वीडियो जो है कि वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो वगैरह लेकर के आते रहता हूँ। होलसेल मार्केट काफ़ी बड़ा है, मैं हर एक गलियों का अगर एक ही वीडियो में वीडियो बना करके अगर अपलोड करूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक गली को जो है कि एक्सप्लोर करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाऊँ। तो बस आज की जानकारी इतना ही रहेगी।